बिग बॉस ओटीटी देख रही हैं? हाँ डेफिनेटली। अभी कल लवकेश और अदनान के बीच में फाइट हुआ, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ एक्चुअली उनको एक टास्क दिया था ब्लॉग बनाने का शिवानी और लवकेश को भी, बट लवकेश अभी बना रहा था वो एज यूजुअल जैसा वो बनाता है वो वैसे ही बना रहा था। सो द थिंग वॉज उसने थोड़ी सी अदनान पे कुछ कमेंट्री कर दी जो वो करता है, बोथ ऑफ देम डोंट लाइक ईच अदर। तो फिर हाँ कमेंट्री करी फिर उन्हें में झगड़ा हुआ। द टॉपिक वॉज मच्छरदानी, उसने जो भी क्रोशेट पहने थे वो उसको मच्छरदानी बोला, तो उसने बोला हाँ तेरे जैसे मच्छर को दूर रखने के लिए। क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था? बट ऑब्वियस लोकेश सही था, लोकेश सही था बिकॉज अब वो ब्लॉग बना रहा है, वो रोस्ट करके ही ब्लॉग बनाता है, तो यू नीड टू टेक इट सपोर्टिंगली राइट। किसका गेम आपको सही लग रहा है घर में? गेम मुझे अब तक मकबूल का अच्छा लगता था, बट सम हाउ वो नेजी के लिए उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है उनको गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिकॉज नेजी के लिए वो बाकियों का स्टैंड नहीं ले रही है। और अब भी अगर गेम के मुताबिक मैं जाऊँ तो मुझे विशाल पांडे का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अरमान का मैनेजमेंट कैसा लग रहा है, हेड ऑफ द हाउस बन चुके हैं वो? अरमान इज वेरी गुड एज अ टीम लीडर, बट उन्होंने कल एक कन्वर्सेशन हो रही थी उनकी और उनकी बीवी के बीच में, जिसमें उन्होंने बोला कि रणवीर सॉरी कहीं कहीं गलत होते, बट मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि अगर इनको गलत बोला तो इनको बुरा लग जाता है, इसलिए मैं एज अ डैड उनकी बात सुनता हूँ वो जो भी बोलते हैं। तो आई गेस यहाँ पे जो अरमान मलिक है वो गलत हो रहे हैं, आप जानते भी हो बट आप बोल नहीं रहे और आपकी उनसे जमती, तो एज अ फ्रेंड आप उनको गाइड कर सकते हो। ओके थैंक यू सो मच। हेलो भाई क्या इस बार का बिग बॉस ओटीटी देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ बिग बॉस ओटीटी। अभी साई केतन और लवकेश के बीच में जो फाइट हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए साई केतन जो वो बंदा है जो स्टार्टिंग से कभी की झगड़ा नहीं किया, मतलब सॉफ्टली सबके साथ रह रहा था, बट अभी उसका सबसे झगड़ा करना लवकेश के साथ बाकी लोग के साथ, लवकेश के बाद फिर आज कल उन्होंने फिर झगड़ा किया, वही चीज़ बोल रहा हूँ ना सबसे झगड़ा करना है, ये क्या बोलते हैं पब्लिसिटी स्टंट है, उनको पब्लिसिटी चाहिए लोगों को देख ही नहीं रहे, जब भाई नॉर्मल रहोगे तो कौन देखेगा, जब वो इसलिए वो कुछ कर रहा है ताकि लोग उसको व्यू में ले उसको देखें कि भाई क्या ये भी कोई बंदा है, क्योंकि अब तक उसका दिख ही नहीं रहा था कुछ, अब वो इसलिए झगड़ा है ताकि उसको लोग पब्लिसिटी में आए, लोग उसको बोले कि हाँ भाई ये कन बंदा भी है ये भी इसमें काम कर रहा है, मतलब आपका कहना है कि वो सिर्फ फेक है बाकी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। अदनान और लवकेश के फाइट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अदनान लवकेश का जो फाइट हुआ उसमें अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट उसमें देखो जहाँ तक है कि अब वो ब्लॉग का सीन था तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि वो एक दूसरे को टीज करेंगे, उसने उसको छेड़ा तो भाई अदनान को बुरा लगा, तो फिर उसने अदनान को चीज़ बुरा लगा तो वो चीज़ गलत है, अब वो चीज़ गलत है तो अदनान को थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई मेरे को ये दिल पे क्यों ले रहा हूँ मैं ये चीज़, है ना, वो भाई इससे गेम है और तुम उसको लेके फिर उसको बोल रहे हो कि मैनेजर वैनेजर ये वो, तो अदनान ने वो चीज़ गलत बोला है और जहाँ तक ठीक है देखते हैं अभी आगे क्या कैसा होगा। ओके थैंक यू सो मच। हेलो भाई क्या इस बार को बिग बॉस ओटीटी देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ ना। कल जो अदनान और लवकेश के बीच में फाइट हुआ उसमें आपका क्या कहना है? फ़ाइट तो बिग बॉस में तो कॉमन ही है, तो फाइट तो बिग बॉस क्यों फिर इंटरेस्टिंग क्यों होगा, फाइट होगा तो ही पब्लिक देखेगी ना, वो तो टास्क के वजह से होते रहता है, कोई कोई जानबूझ के निकालता है फाइट्स, किसको अलग ही नशा होता है फाइट्स करने का बिग बॉस में, तो हम लोग को भी मज़ा आ रहा है, वो लोग भी कमा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं मज़ा आ रहा है हमको। अभी अरमान मलिक हेड ऑफ द हाउस बन चुके हैं कैप्टन, तो उनका मैनेजमेंट कैसा लग रहा है आपको? नो वर्ड्स भाई नो वर्ड्स, मेरे को बोलना ही नहीं इस पे, मतलब ख़त्म है ख़त्म पूरा। ऐसा भी बोलने को देख रहा है कि वो ग्रुपिज्म कर रहे हैं, बायस्ड हो रहे हैं, अपने ग्रुप वालों को उतना टास्क नहीं दे रहे, मतलब ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों को ज़्यादा ड्यूटी दे रहे हैं, वो तो उसकी मर्जी ना, वो कैप्टन है वो लीडर है तो उसकी मर्जी, अभी वो जो करेगा अभी उसके लिए, अभी लीडर वो ही है, पर वो एक हिसाब से गलत है बहुत, मतलब इक्वली खेलना चाहिए तो पब्लिक को देखने में मज़ा आएगा, एक ही ग्रुप मचा रहा तो कुछ। हेलो भाई क्या इस बार का बिग बॉस ओटीटी देख रहे हैं? हाँ ज़रूर। अभी अरमान मलिक हेड ऑफ़ द हाउस बन चुके हैं, आपको उनका मैनेजमेंट कैसा लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अपने दोस्तों को वो आसान काम दे रहे और अपने दुश्मनों को एकदम मेहनती वाला काम दे रहे, तो ये सही नहीं है उस हेड ऑफ़ द हाउस के लिए। और कल जो अदनान और लवकेश के बीच में फ़ाइट हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? मसाला किसको नहीं चाहिए भाई, टास्क है, फ़ाइट हो गई, सबके बीच में कुछ ना कुछ नोकझोंक होता ही रहता है। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? ऑब्वियसली विशाल। विशाल उनका गेम कैसा लगता है आपको? बहुत मस्त। थैंक यू सो मच।